दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेंच सिमुलेटर। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं अपनी रेंच के अंदर कुछ गाय भैंस और ढेर सारी बकरियां लेकर आया था और उनके लिए मैंने एक बहुत बड़ा एरिया भी बनाया था जहां पर वो अपना घूम फिर सके, कुछ खा पी सके। और उसके पीछे का मेन रीजन ये था कि अपने अपने बर्ड हाउस में ना बहुत सारे पिग हो गए हैं, वो भी छोटे छोटे नहीं एकदम बड़े बड़े भाई। बाकी यहाँ वो बात अलग है कि जितने बड़े पिग हो गए उन्हें मार के हमें उतना ही उनसे पोर्क मीट मिलता है जिसे बेच के मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाता हूँ। उतरते हैं, गन निकाल देता हूँ मैं अपनी फटाफट से, रीलोड है ना। चल भाई ये नंबर खुली क्यों नहीं चल रही, अच्छा रीलोड नहीं थी, सॉरी पिक, मेरे को भी पैसा चाहिए तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाय बक्का रहे हो सारे के सारे, इधर आओ इधर इधर बेटा, निकाल यहाँ से और तू भी निकल। बच कैसे रहा, एक गोली इसके अंदर अभी बची हुई है, तेरा क्या होगा। चल तू भी निकल, और तू भी बहुत बड़ा हो गया, जगह घेर रहा है। अरे गाय आपके लग जाएगी, तू भी निकल और तू भी निकल, तू भी निकल। हाँ भाई तू 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 चल छोड़, तेरे को छोड़ दे, तू भी याद रखे। बाकी ठीक है, अभी जिनको मारा है मेरे को इन्हें ऐसे कर रहे हैं और अभी फटाफट से इनसे, अरे हटो यार भैंस की टांग, दिमाग खराब कर देते यार दौड़ दौड़ के। हाँ तो मैं ये कह रहा था जिनको भी मारा है अभी फटाफट से इनको कूलर्स में भरते हैं और इन सबको मेरे को ले जाके बेचना है ताकि मेरे को पैसा मिले और पैसों से मैं ग्लास वगैरह खरीद के ले आऊं अपने ग्रीन हाउस के लिए। तो जितने भी मारे हैं इन सबको इस कूलर में भर देता हूं, 12 पीस रख सकता हूं और जो भरे वाले डब्बे हैं उसको मैं इस साइड रखूंगा और ये खाली वाले हैं सारे। मुर्गी के बहुत सारे अंडे, बहुत सारे डब्बे मैंने यहाँ पर इसमें मतलब मीट भर दिया है। और ये कोने में गाड़ी के नीचे आ गया भाई ये, चल कोई बात नहीं, एक मिला है इसमें, इस वाले डब्बे में एक की जगह है, इसको रखो। वैसे मैं सोच रहा हूँ यार पूरा ये ट्रेलर ले जाने के बजाय बस मैं थोड़ी बहुत प्लैंक्स और चाहिए, बट अंदर चक्कर मार के आता हूँ। भाई मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं बचा होगा, ये भी पिग मर गया, ये काओ भी मर गई पिग, भाई कितना नुकसान हुआ भाई ये, $300-$400। अरे बकरी बची है, अरे रुक जा तेरे को मैं जगह देता हूँ आने की, आजा भाई। जो बकरी का बच्चा पैदा हुआ था ना वो बच्चा है, बकरियां भी मर चुकी है, ये देखो रो रही है बेचारी, वो चिल्ला रही है बकरी। ठीक है यहाँ पर कुछ एक काम करता हूँ, जगह बनाने के लिए सबको मैं मीट में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं तो इन्हें काट के साइड कर देती हूँ। अभी इन सबको मेरे को बेच के आना पड़ेगा और नए एनिमल्स लाने हैं, और यहाँ पर घास भी बहुत ज्यादा उग गई है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, पहले यहाँ की घास काटूंगा उसके बाद एनिमल्स को लेकर आऊंगा। लिटरली यार कोई भी नहीं बचा यहाँ पर, तो अपने घोड़े के अंदर कितनी शक्ति है भाई, अभी ये भी मरने ही वाला है यार। तो भाई खाना खा ले, कुछ पड़ा तो है इसके अंदर, खाना ही नहीं है, ये तो भरा पड़ा है बिल्कुल यार भाई इसको। चलो चलो आया आया, आया खाना खाने आया अपने आप, भाई खा ले खा ले खा ले, आराम से खा, उधर का जा रहा है। हाँ हाँ नाइस नाइस नाइस, खा ले इसे, खा रहा है ये, अबे खा भाई इसको। भाई ये घोड़ा मर गया ना, दिक्कत हो जाएगी यार। बकरी तो शायद से खा रही है, मेरे को आवाज आ रही है, देखो ये तो खा रही है भाई, इसका फुल हो गया। हॉर्स का नहीं समझ आ रहा भाई, ये नहीं खा रहा भाई। हॉर्स मैंने बहुत महंगा लिया था, मेरा सारा पैसा इसी में बर्बाद हुआ है। अब मेरे को याद आया कि मैं गरीब क्यों हो गया, ऑक्शन में खरीदा था गाइस हमने ये वाला हॉर्स। भाई ये घोड़ा थोड़ी देर में मरने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा यार, भाड़ में जा मर जा भाई, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं हमने